दिस इज द मेन इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ महाकाल कॉरिडोर। ओके सो गाइस यार हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। तो ये ब्रिज साइड में ब्रिज है और ब्रिज के साइड से ये जाने का रास्ता है। यहाँ की जगह बहुत सारी गाड़ियाँ भी है, जैसे किसी को पैदल चलने में समस्या है तो वो लोग गाड़ियाँ भी ले सकते हो आप यहाँ की जगह। पूरा एक ग्रुप के साथ भी गाड़ियाँ ले सकते हो, सिंगल ही क्या महंगी पड़ेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ग्रुप के साथ ही आप ले। ये भाई साहब बहुत ही गजब का नज़ारा, मतलब दैट्स अमेजिंग यार, इट्स वंडरफुल। इसको भी आई थिंक इसको भी दुनिया के 9वें अजूबे में शामिल करना चाहिए। गाइस आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत सारे मुझे तो भाई साहब ये देखिए इस प्रकार की गाड़ियाँ है, तो यहाँ इसमें आप लोग कर सकते हो ट्रेवल वगैरह भी पूरी फैमिली के साथ भी। गाइस यहाँ पर लाल परियाँ बहुत दिख रही है मुझे, वैसे तो यहाँ मैं चाह नहीं रहा हूँ लेकिन यार महाकाल के यहाँ आए हैं, लेकिन फिर भी जो लाल रंग है ना उससे मैं बिफर जाता हूँ, तो इसलिए मैं। ये देखिए भाई साहब ये पूरा है ना बहुत ही गजब का व्यू है, मैं ये दिखाने जाता हूँ एकदम आपको लगेगा कि यार पूरे किसी। ये देखिए गाइस यार एकदम बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी स्वर्ग में आ गए हो, बिल्कुल बहुत ही औसम नज़ारा एकदम बहुत से। ये गेट का जो व्यू देखना आप यहाँ की जगह से बहुत ही फंटास्टिक लगता है और बहुत ही औसम लगता है। हाँ तो यहाँ की जगह बहुत सारे लोग इसीलिए आते हैं इस व्यू को देखने के लिए। मोस्टली यहाँ पर शाम के टाइम में ही ये जो एरिया है तो बहुत अच्छा लगता है, तो आप रिक्वेस्ट है कि आप जब भी घूमने आओ तो शाम के टाइम में ही आया करो यहाँ। देखिए गाइस ये यहाँ की जगह पे, तो ये देखिए बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सारे लोग आपको आते जाते दिख रहे होंगे, बहुत ही शानदार सा माहौल रहता है शाम के टाइम में, खासकर बहुत अच्छी भीड़ रहती है। ये पूरा है यहाँ की जगह, आपको गणपति बप्पा की ये देखेंगे स्टेचू लगा हुआ है, ये एक स्क्वायर टाइप का बना हुआ है यहाँ की जगह पर, बहुत सारे गणपति बप्पा के दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं। तो ये आदमी